हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शक्ति अस्तित्व के एहसास की में आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। जी हाँ, जहाँ सोहम हीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, वहीं पर उसकी दादी उसे वक्त वक्त पे भड़काती रहती है। वो खुद तो बहुत ही सीधे होने का नाटक कर रही है, लेकिन सोहम को हीर के और उसके पेरेंट्स के खिलाफ कर दिया है। और वहीं पर हीर के दादाजी को बर्बाद करने की सोहम ने ठान ली है और उसकी पूरी फैमिली को वो डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, वो सजा देना चाहता है। उसके दिमाग दिलों और दिमाग पर यही बैठ गया है कि हमेशा उसे इस घर में नीचा दिखाया गया है और हीर को ऊपर, जबकि वो किन्नर है और उसे उस घर में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। वो हीर को किन्नर होने के नाते इस घर से निकालना चाहता है। वो चाहता है कि हीर किन्नरों के घरों में जाके रहे, किन्नरों के साथ रहे, वो इस घर में ना रहे। वो किन्नर होने के बाद भी हीर को इतना प्यार दे रहे हैं कि सोहम से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सोहम को हीर से बहुत ही ज़्यादा नफरत है, और लेकिन यहाँ पर हीर को इस बात का पता नहीं है। वो सोहम को अपना भाई पहले की तरह ही मानती है। और वहीं पर विराट की भाभी हमेशा हीर को लेकर टेंशन में रहती है। वहीं विराट हमेशा हीर को नीचा दिखाने पे रहता है, उसके मुंह पे नहीं तो नहीं, लेकिन पीछे उसको बार बार किन्नर कहता रहता है। वहीं पार्टी में झरना ने सबको गिफ्ट देकर, पैसों का लालच देकर अपने साइड कर लिया और हीर को एनजीओ से निकलवाने के लिए सबको अपने साइड कर लिया। वहीं हीर को पता चल जाता है कि झरना ने सबको पैसों का और मोबाइल फ़ोन का लालच दिया है, जिसकी वजह से सब उसके साथ हो गए हैं। लेकिन हीर यहां पर फिर से एनजीओ में काम करने के लिए कोई तरकीब सोच रही है, और वहीं विराट उसको एनजीओ में दोबारा ना लाने की तरकीब सोच रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।